हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं विजिटर वीज़े में, या फिर उधर सिक्योरिटी वीज़े में जाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं सिक्योरिटी का, उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। जो दुबई में टेस्ट करते हैं, और एक DPS टेस्ट होता है, एक सिरा टेस्ट होता है, दो टेस्ट होते हैं दुबई में सिक्योरिटी के लिए। तो वो कैसे पास करने हैं, आपको क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, जो विजिटर वीज़े पर जाएंगे वो कैसे ये टेस्ट करके अपना जॉब ले सकते हैं दुबई में, तो ये मैं पूरा ये वीडियो में कवर करूँगा। तो ये लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दुबई में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट को बोलते हैं DPS होता है, एक होता है सिरा। तो ये दो टेस्ट होते हैं। तो पहला टेस्ट होता है आपका DPS। DPS का जो फुल फॉर्म होता है, पहले तो ये DPS टेस्ट होता है सिक्योरिटी के लिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो है दुबई प्रोटेक्टिव एजेंसीज, ठीक है दोस्तों, ये DPS का फुल फॉर्म है। तो दूसरा टेस्ट होता है सिरा। तो सिरा का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी इंटेग्रिटी रेगुलेटरी एजेंसी। तो ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। तो DPS टेस्ट के लिए, यानी कि अगर आप विजिटर वीज़े के ऊपर हो, अगर आपको ये टेस्ट करना है सिक्योरिटी में, तो उसके लिए आपको पासपोर्ट का फोटो कापी चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज़ का फोटो कापी चाहिए, और आपका स्टडी किया होगा उसका सर्टिफिकेट का फोटो कापी चाहिए। तो उधर आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा एजेंसी में जाकर, जिधर ये टेस्ट होते हैं। एजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराइए, अपना फोटो कापी लेकर जाइए। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, वो 5 दिन होते हैं, ये 5 दिन आपको ट्रेनिंग देंगे। तो सबसे पहले आपको मैं फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए जो फ़ीस होती है वो 1650 दिरहम फीस होती है, इसका टेस्ट का 1650 दिरहम टेस्ट का फ़ीस है जो आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर। उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, तो यानी कि ट्रेनिंग, ये 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। 5 दिन की ट्रेनिंग में आपको ये रिटन रिटन ट्रेनिंग भी होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग भी होता है। सबसे पहले आपको रिटन का ये आपको ट्रेनिंग देंगे। उसमें आपको ये ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर आपने +2 किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो टेस्ट को। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसके लिए, कोई बहुत लड़के इसमें पास ही हो जाते हैं, कोई कम ही बहुत कम होते हैं जो फेल होते हैं, ज़्यादातर पास हो जाते हैं। इसका 3 बार होता है, अगर आप एक बार फेल हो गए तो दूसरा चांस मिलेगा, दो बार फेल हो गए तो तीसरा चांस मिलेगा। तीसरे चांस के बाद चांस नहीं होता, तीसरा लास्ट चांस होता है आपका टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट का ये मतलब होता है कि अगर आपने ये टेस्ट किया सिक्योरिटी में, आपको जॉब एक तो अच्छा मिल जाएगा, और आपके पास सैलरी बहुत अच्छा लगेगा, आपका सैलरी आपका पक्का होगा, जॉब भी आपका अच्छा मिलेगा आपको दुबई में। तो ये 5 दिन का होगा आपका टेस्ट। 5 दिन आपको यानी कि उधर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। क्लास अटेंड करने के बाद आपको फिर ये लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद आपका रिजल्ट होगा। 5 दिन के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ये दुबई के कल्चर के बारे में ही होता है, जो कल्चर होता है दुबई में, जो आज का दुबई में का कल्चर होता है, वही टिक मार्क का क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने होते हैं, वो यानी कि बेसिक नॉलेज होती है वो सब कर लेते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल वाला हो जाता है, उसमें आपको रनिंग करना पड़ेगा, 2 मिनट का रनिंग होता है, और रनिंग के बाद जंप होता है, हाई जंप होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता वो, हर कोई कर सकता है। जंप होता है, रनिंग होती है, वो 3 टेस्ट होते हैं, यही बस यही आपको क्लियर करने पड़ते हैं। इसके लिए कोई इतना मैटर नहीं करता है, एजुकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कितना पढ़े लिखे तो, यानी कि ये नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। तो यही 2 तरह के टेस्ट होते हैं दुबई में। तो यानी कि अगर आपको करना है तो आप दुबई में विजिटर वीज़े के ऊपर भी कर सकते हो, या फिर आपका कंपनी भी करवाता है, उसके लिए भी आपको कोई कंपनी चार्जेस अपनी तरफ से देता है, कोई अपनी तरफ से देता है। तो आगे की और वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इसके टॉपिक के ऊपर, तो मेरे को प्लीज़ मैसेज करिए, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाऊँगा।